तो गाइस काफी टाइम पहले हमने एक गेम खेला था जिसका नाम है एलन वेक 2। काफी मजेदार गेम थी। आज हम वही गेम ट्राई करने वाले हैं क्योंकि उसमें आई है एक नई डीएलसी द नाइट स्पेंस। आज इसके साथ हम बात भी करेंगे एनवीआर डीएलसी 3.5 विद रे रिकंस्ट्रक्शन और कैसे ये फीचर एनहांस करती है द गेमिंग विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ दिस गेम। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। एलन वेक 2 डीएलसी नाइट स्पेंस गेम ने ऑलरेडी कैप्चर किया है अटेंशन ऑफ फैंस विद इट्स ग्रिपिंग नैरेटिव एंड एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट्स। बट मजेदार फैक्ट ये है कि इस गेम की एक्सपीरियंस और बढ़िया हुआ है थैंक्स टू द मैसिव अपग्रेड ऑफ एनवीडियास डीएलएसएस 3.5 एंड रे रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। काफ़ी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एनवीडिया डीएलएसएस मतलब क्या होती है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, एक और बार हम खुद एक्सप्लेन करेंगे कि भाई डीएलएसएस मतलब क्या है। डीएलएसएस स्टैंड्स फॉर डीप लर्निंग एंड सुपर सैम्पलिंग। वो एक टेक्नोलॉजी है डेवलप बाय एनवीडिया जो यूज़ करता है एआई टू अपस्केल लोअर रेजोल्यूशन इमेजेस टू हायर रेजोल्यूशन, जिससे हमें क्या मिलता है, एक बेटर परफॉर्मेंस मिलता है विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी विजुअल क्वालिटी। DLSS 3.5 इसमें एक और स्टेप इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है द रे रिकंस्ट्रक्शन। रे रिकंस्ट्रक्शन एक एडवांस टेक्निक है जो फर्दर लिवरेज करता है AI को टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रे ट्रेस्ड इफेक्ट्स। तो ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करता है रे ट्रेस्ड लाइटिंग एंड रिफ्लेक्शंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड बाय रिड्यूसिंग नॉइस एंड एनहांसिंग द डिटेल। मजे की बात यह है कि इस डीएलसी में इट ऑल्सो इंक्लूड्स फुल रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ एनवीडिया डीएलएसएस 3.5 विद रे रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इस अपग्रेड की वजह से गेम के विजुअल सिग्निफिकली इम्प्रूव होता है ऑफरिंग मोर रियलिस्टिक लाइटिंग रिफ्लेक्शंस एंड शेडोज। Was going to go to that beach and give this jerk the scolding of a lifetime. The twin said he was down at the beach. Hey, me and my bike were just enjoying the view. Where is my rider? What do you even see in that crybaby? He's boring, he dresses like a nerd. Shut your mouth! He is a stylish intellectual who is in touch with his feelings. You're starting to cramp my style, babe. He tricked me, even with my famously keen perception. Would take me.
ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए एनवीडिया की लेटेस्ट जीफोर्स आरटीएक्स 40 सीरीज। अगर तुम्हारे पास 4090 या फिर 4080 है देन यू कैन एक्सपीरियंस द फुल रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज विद द मिनिमल परफॉर्मेंस ड्रॉप्स। अब हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे जहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में रे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ और डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन ऑफ किया है तो क्लियर कट तुम लोग देख सकते हो हमें FPS मिल रही है अराउंड 50-60। अभी हम राइट साइड में जो हम देख सकते हैं जहाँ पे हमने रे रिकंस्ट्रक्शन ऑन और फ्रेम जनरेशन ऑन किया है तो हमें एक स्मूथ गेम प्ले दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमें FPS ऑलमोस्ट 2x मिल रही है अराउंड 80-100 जहाँ पे वो डिपेंड करता है जहाँ जगह पे कम फ्रेम्स आती है वहाँ पे हमें ज़्यादा FPS मिलती है और अच्छी विजुअल एक्सपीरियंस भी है, कोई लैग शैग नहीं है, अच्छी FPS भी मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर करता है जहाँ पे हमें क्लियर कट रिजल्ट दिखती है कि भाई जब हम ऑफ करते हैं फ्रेम जनरेशन और जब हम ऑन करते हैं कितनी FPS की फ़र्क होती है, ये तुम लोग क्लियरली देख सकते हो इसी बेंचमार्क। चलो अभी हम आपको दिखाएंगे रे ट्रेसिंग ऑन वर्सेस ऑफ के कंपैरिजन। लेफ्ट साइड में हमने रे ट्रेसिंग ऑन किया है और राइट साइड में हमने रे ट्रेसिंग ऑफ किया है सेटिंग्स में जाके। ठीक है, जैसे कि जब ऑन होती है रे ट्रेसिंग तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कितनी डायनेमिक लाइटिंग कुछ ज़्यादा है, एक्यूरेट रिफ्लेक्शंस है और डिटेल्ड शेडोज भी तुम्हें दिखेगी। ये सुटेबल है अगर तुम लोग के पास हाई एंड वगैरह पीसी है जैसे 4080-4090 है। 4070 भी ट्राई तो कर सकते हो लेकिन FPS में थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन थोड़ी FPS डिफरेंस तुम देख सकते हो, एक 10-20 के FPS डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं। और जब रेट्रेसिंग ऑफ होता है वो क्या करता है कि थोड़ा FPS तुम्हारा बूस्ट होता है लेकिन वो सिंप्लीफाइड विजुअल्स को दिखाएगा और विद लेस डिमांडिंग लाइट और इसके रिफ्लेक्शन टेक्निक्स थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस रहेगी इन द लोअर एंड सिस्टम्स। बस यही कंपैरिजन है, FPS में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब लिटरली 10-20 FPS ज़्यादा मिलता है जब ऑफ करते हो। भाई मैं तो बोलता हूँ ऑन करके खेलो क्योंकि वो जो गेमिंग एक्सपीरियंस का विजुलाइज वगैरह एंजॉय करने का भी वो होनी चाहिए अगर आपके पास अच्छी ग्राफिक कार्ड हो तो। गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप तुम लोग को ये वीडियो मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो यार लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार और फन गेम है, लेट मी नो इन द कमेंट अगर तुम लोग को ये गेम देखनी है लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू।